जीपीएस की सुविधा आज यानी कि रविवार 13 दिसंबर की रात 12:30 बजे से 24 घंटे और सातों दिन काम करने लगेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि 13 दिसंबर की रात 12:30 बजे से RTGS की सुविधा 24 घंटे सातों दिन हो जाएगी। इस सेवा को शुरू करने के लिए टीम को बधाई। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में काफी तेजी आई है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। शक्तिकांत दास ने कुछ दिनों पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि RTGS सेवा को 24 घंटे कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां ये सुविधा 24 घंटे काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से रात के 12 बजे के बाद अगली तारीख शुरू हो जाती है, इसलिए माना जाएगा कि भारत में ये प्रणाली 14 दिसंबर से पूरे समय काम करने वाली प्रणाली बनेगी। अक्टूबर में ही रिजर्व बैंक ने RTGS प्रणाली को 24 घंटे काम करने वाली प्रणाली बनाने की घोषणा की थी। इसके पहले NEFT को भी 24 घंटे काम करने वाली प्रणाली बनाया जा चुका है। जिस समय इसकी घोषणा की गई थी उसी समय RBI ने कहा था कि जल्द ही RTGS की सुविधा भी 24 घंटे कर दी जाएगी। RTGS बड़ी राशि के इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में काम आने वाली प्रणाली है, जबकि NEFT से 2 लाख रुपए तक की ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है। RTGS की शुरुआत 26 मार्च 2004 को हुई थी, तब सिर्फ 4 बैंक ही इससे भुगतान की सुविधा देते थे। RTGS प्रणाली वर्तमान में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़ सप्ताह के सभी कार्य दिवसों से सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करती है। वर्तमान में RTGS से रोजाना 6,35,000 लेन देन होते हैं। देश के करीब 237 बैंक इस प्रणाली के माध्यम से 4,17,000 करोड़ रुपए के लेन देन को प्रतिदिन पूरा करते हैं। नवंबर में RTGS से औसत 57,96,000 रुपए का लेन देन हुआ।